वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना मॉक टेस्ट पेपर विच इज फॉर इनकम टैक्स पोर्शन फॉर सेप्टेम्बर 2024 एग्जामिनेशंस। अभी सीरीज वन रिलीज की है इंस्टीट्यूट ने, जल्दी सीरीज टू भी रिलीज होगी, तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। अच्छा, लास्ट दिस इज पार्ट टू फॉर दिस पेपर। हम लोगों ने पार्ट वन में डिस्कस किया था, इन केस किसी भी स्टूडेंट ने मिस किया है पार्ट वन, सो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहां से पार्ट वन भी चेक कर सकते हैं, जहां पर हमने MCQs पूरा केस स्टडीज वगैरह सारे डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर वन डिटेल्ड में विद राइटिंग प्रैक्टिस पे डिस्कस किया था, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे अपने एग्जामिनेशंस में, राइट। और मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट बात भी डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, हमेशा जो आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है ना 15 मार्क्स का, प्लीज वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, नो डाउट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका, उसको प्लीज लास्ट के लिए रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने MCQs कर लेने चाहिए, MCQs अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है 35 मार्क्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट टू क्वेश्चंस, राइट। तो पहले आप इसको, इस पोर्शन को कर लिया कीजिए, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड या थर्ड कर रहे हैं, सेकेंड या फोर्थ कर रहे हैं, थर्ड फोर्थ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, प्लीज इसको पहले जल्दी से कीजिएगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर वन पर आइए। तो इसको प्लीज लास्ट के लिए रखिएगा, करेक्ट। अदरवाइज अगर आप इसको पहले करेंगे ना, तो काफी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका मेजरली टाइम इस पर लग जाता है और पेपर छूट जाता है, वो इस क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ छूट जाता है उनका। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि पहले इसको करें और फिर आप अपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। स्पीड आपको शुरू से ही अच्छी मेंटेन करनी होगी, ठीक है, शुरू से ही अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए चलिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, MCQs पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये MTP अगर किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ICAI की वेबसाइट से, बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइट से, इनकेस अच्छा मैंने इसका डायरेक्टली लिंक भी दे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकें इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर वन हमने डिस्कस कर लिया था, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में से सिर्फ दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट आज हम लोग तीनों ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द प्रोविजंस, ऑल द टॉपिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, मिस गीता अ सिटीजन ऑफ इंडिया गॉट मैरिड टू मिस्टर पीटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके, and left India for the first time on 20th August 2023 को she has been outside India for the very first time, residential status का question लग रहा है मुझे। She has not visited India again during this year, इस साल ये दोबारा India नहीं है, तो फिर India में सिर्फ ये 20th of August तक थे, इसका मतलब April, May, June, July और 20 दिन August के, ठीक है, बिकॉज जिस दिन शी विल लीव इंडिया वो भी काउंट करते हैं, तो 20 डेज ऑगस्ट के भी आप काउंट करेंगे, एग्री है, साथ साथ अपने कंसेप्ट रिवाइज करते हुए चलिएगा। शी हैज डिराइव द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, तो कुछ इनकम के बारे में हमें ये पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन एक्चुअली आपको बहुत क्लियर रहना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, आप इससे स्पेसिफिक आंसर उनको दे पाए। तो ये कुछ इनकम दी गई है, अभी दो मिनट के बाद पढ़ लेंगे इसको, पहले ये देख लेते हैं, यू आर रिक्वायर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं हमसे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस गीता, ठीक है जी, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है एक तो, एंड कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस गीता फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड वी हैव टू डिटरमाइन हर बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम, तो शायद एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी डिटेल हमें दी गई होगी, एक बार चेक कर लें इसको, पढ़ लें। फर्स्ट कहता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इज इन इंडिया, ओके, सो 150,000 की इनकी इनकम आई है। मुझे प्लीज बताइएगा, ये जो रबर प्लांट्स वाली इनकम होती है विच इज इन इंडिया, क्या ये 100% बिजनेस की इनकम होती है? आपको वो टेबल याद है, दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप तीन बिजनेसेस के बारे में, तीन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में बातें करता है वो टेबल, एक तो टी, कॉफी और रबर के बारे में। अगर आपके ये तीनों बिजनेस इंडिया में हो रहे हैं, देखिए अगर ये आपके तीनों बिजनेस इंडिया के बाहर हो रहे हैं, राइट, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ये इंडिया के बाहर आप कर रहे हो,
फिर तो 100% इनकम टैक्सेबल हो जाती है अगर वो रिसीव्ड इन इंडिया। फिर वो डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पर भी, क्योंकि इंडिया के अगर बाहर आ रही है इनकम और अगर एसएससी नॉन रेसिडेंट है तो फिर तो वो टैक्स नहीं देगा अनलेस अंटिल वो इनकम रिसीव इंडिया में हो रही हो, राइट? बिकॉज आप लोग जानते हैं इन केस एनी इनकम विच इज अराइजिंग इन इंडिया और एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो उसके ऊपर तो हर कोई टैक्स देता है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्स देंगे, बट अगर कोई ऐसी इनकम है जो इंडिया के बाहर अराइज हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, तो उसके ऊपर जनरली नॉन रेसिडेंट तो टैक्स देता ही नहीं है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स नहीं देता अगर वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं है। आपको प्रोविजन याद आ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर इंडिया से इनकम आ रही है तो दिस वुड बी टैक्सेबल। अच्छा, वो परसेंटेजेस क्या है? वो जैसे कि रबर के लिए 65% और 35% होता है, टी के लिए याद है, टी के लिए 60% होता है और 40% होता है, ठीक है। कॉफी के लिए भी यही होता है, बट अगर कॉफी में सिर्फ ग्रो और क्योर हो रहा है तो फिर 75% 25% होता है। अच्छा, कभी कभी ना इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 65% 35% रबर के लिए तो याद था, बट ये समझ में नहीं आ रहा था कि कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर में जाएगा और कितना परसेंटेज बिजनेस में जाएगा। तो इसका एक बहुत छोटा तरीका है, ठीक है, द स्मॉल ट्रिक इज, जो ज्यादा वाला पोर्शन है ना, देखो 65% 35% 60% 40%, तो ये जो मेजोरिटी वाला पोर्शन है ये एग्रीकल्चर की तरफ जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर टी बिजनेस आ गया इन इंडिया तो आपको एक परसेंटेज तो याद रहेगी 60 और 40, अब कितना एग्रीकल्चर के लिए चाहना है तो ये ज्यादा वाला पोर्शन ना 60% इज मोर देन 40, ठीक है, तो ये मेजोरिटी वाला पोर्शन एग्रीकल्चर की तरफ जाइएगा। सभी में ऐसा होता है, कॉफी में, रबर में, टी। ओके, वापस आते हैं। एक तो हमें इनका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है और दूसरी उनकी इनकम देखनी है। तो देख सकते हैं आप लोग, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स इन कन्याकुमारी, तो इनकम इंडिया से अराइज हो रही है, टैक्सेबल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि इंडिया में इनकम अराइज हो रही है। बट इसमें से हम लोग 65% तो एग्रीकल्चर होगा और 35% बिजनेस इनकम होगा। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर रोस्टेड, ग्रोन क्योर रोस्टेड हो रही है, यानी कि 60-40 वाला परसेंटेज लगने वाला है अगर ये इनकम इंडिया में अराइज हो रही है, करेक्ट? बिकॉज अगर इंडिया के बाहर है फिर तो डिपेंड करते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस पर, अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 100% ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। और बिकॉज, अच्छा देख लेते हैं एक बार कहाँ पर हो रही है इनकम। इस बात पर बिल्कुल आपको स्पेशल अटेंशन देनी होगी कि ये इनकम अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो कहाँ पर अराइज हो रही है, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर पता चला है कि दिस इज इन कोलंबो श्रीलंका, तो अगर ये इंडिया के बाहर है इनकम तो फिर आप वो 60% 40% नहीं करेंगे, फिर तो 100% इनकम टैक्सेबल कर सकते हैं, फिर वो डिपेंड करते हैं इनके रेसिडेंशियल स्टेटस पर। अच्छा, आगे लिखा हुआ है सेल कंसिडरेशन वॉज रिसीव्ड इन चेन्नई, इसका क्या करते हैं? अराइज तो इंडिया में नहीं हो रहा बट रिसीव इंडिया में हो रही है सर, फिर तो टैक्सेबल हो जाती है। अगर ये एसएससी नॉन रेसिडेंट भी है तो भी हम टैक्सेबल कर देंगे बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो रिसीव हो रही है इंडिया, करेक्ट? तो फिर इसको टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा मुझे बताइए, वो 60% 40% करेंगे क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही है, वो सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर इनकम में वो हम परसेंटेजेस करते हैं, आउटसाइड एग्रीकल्चर में तो कोई परसेंटेज नहीं होती, वो फुली टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। और नॉन रेसिडेंट के लिए जनरली टैक्सेबल नहीं होता है, बट क्योंकि अगर ये रिसीव हो रहा है इंडिया में तो फिर तो सभी लोगों के टैक्सेबल हो जाता है। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालकर देख लेंगे हम लोग कितना आ रहा है, तो क्या आ रहा है इनका। थर्ड पॉइंट, समझ में आ रहा है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये तो इंडिया में आ रही है इनकम, तो 12 लाख रुपीज में से 60-40, 60% किस तरफ जाएगा? एग्रीकल्चर की तरफ, 40% बिजनेस की तरफ, और वैसे भी इंडिया में है तो सभी लोगों के लिए टैक्सेबल होता है, ये 40% आएगा। इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोचीन, कोचीन इंडिया। ओके, नर्सरी बिजनेस 100% एग्रीकल्चर माना जाता है, नर्सरी बिजनेस 100% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, चाहे आप उस पर बेसिक ऑपरेशंस करें ना करें, इट डजंट मैटर, नर्सरी ऑपरेशंस, जो प्लांटेशन वाला जो प्लांट्स वगैरह लगाते हैं ना पॉट्स में, नर्सरी बिजनेस, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के आसपास कोई शॉप होती है, वहाँ से हम छोटे छोटे प्लांट्स परचेज करके लेकर आते हैं, दैट नर्सरी बिजनेस इज फुली एग्रीकल्चर इनकम। बेसिक ऑपरेशंस वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये बेसिक ऑपरेशंस भी नहीं कर रहे हैं, तो नर्सरी ऑपरेशंस हमेशा एग्रीकल्चर इनकम माने जाएंगे, तो 2 लाख वुड बी फुली एग्जेम्प्ट, राइट? एग्रीकल्चर मानी जाती है 100%।
यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, पहले सुन लीजिए फिर आप लोग निकालेंगे और फिर आप मेरे आंसर से चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये 20th of August 2023 को इंडिया से बाहर गए थे, यानी कि अप्रैल के 30 days, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त के द डे शी लेफ्ट इंडिया, वो भी काउंट होता है, तो अगस्त के 20 days कितना आ रहा है, 142 days आ रहा है, बिलीव कितने आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 120 142 days आ रहा है। तो हर स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 142 days, इनका स्टे 142 days है और लास्ट के 4 साल में तो कभी भी इंडिया के बाहर नहीं गए गए होंगे, ठीक है, गए हैं, ये दिया हुआ है हमें, तो 365 days से तो ज़्यादा आ रहा है। अब सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए बेसिक कंडीशंस लगाते हैं। हमारे पास बेसिक कंडीशंस याद कीजिए क्या होती है, अगर स्टे 182 days और मोर हो तो हमारा रेजिडेंट हो जाता है SSC इंडिविजुअल SSC, या फिर दूसरी कंडीशन होती है 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस लास्ट 4 years में 365 days और मोर, राइट। हाँ, अगर ये फॉर एग्जांपल इफ शी हैज बीन आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, फिर हम ये कंडीशन नहीं देखते हैं, याद आता है, ठीक है, फिर वो हम ये कंडीशन नहीं देखेंगे, या फिर शी इज कमिंग इन इंडिया फॉर अ विजिट तब हम ये कंडीशन नहीं देखते हैं, या फिर अगर ये क्रू मेंबर होते इंडियन शिप के तब हम ये कंडीशन नहीं देखते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। शी हैज़ नॉट बीन आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर नहीं गए हैं, क्रू मेंबर नहीं है, विजिट करने के लिए इंडिया नहीं आ रहे हैं, तो ये कंडीशन तो अब हम देखेंगे, ठीक है। याद आती है वो एक्सेप्शंस जहाँ पर हम ये 60 days वाली कंडीशन नहीं देखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उस कंडीशन में आ नहीं रहे हैं, तो वी विल सी दिस कंडीशन ऑल्सो, और ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाइड होती हुई नजर आ रही है, क्यों, बिकॉज इन द स्टे ड्यूरिंग द ईयर 60 days से तो ज़्यादा ही आ रहा था, अभी 142 days आ रहा है और लास्ट 4 साल का 365 days से ज़्यादा आएगा, बिकॉज शी हैज़ नेवर बीन आउटसाइड इंडिया, करेक्ट, तो शी वुड बी रेसिडेंट। अब चेक करना है एडिशनल कंडीशंस लगाइए कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए क्या देखते हैं हम, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 years याद आ गया आपको, उसमें अगर से 730 days और मोर हो, ऐसे याद कर सकते हैं 730 days और मोर हो, तो उस केस में वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, आंसर इज येस, बिकॉज पिछले 7 सालों में तो ये हमेशा इंडिया में थे, 730 days से ज़्यादा ही निकलेगा। दूसरा, शी मस्ट बी आउट ऑफ लास्ट 10 years, कौन से 10 years देखते हैं, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर है हमारा 23-24, उससे पहले के 10 साल देखेंगे, और कम से कम ये आउट ऑफ 10 में से कम 9 years में रेसिडेंट हो, तो हमेशा ये रेसिडेंट ही निकलेंगे, बिकॉज ये पूरे के पूरे 10 साल में इनफैक्ट रेसिडेंट निकलेंगे, शी हैज़ नॉट बीन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, फॉर नॉट इवन अ सिंगल डे, तो एडिशनल कंडीशंस की हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो शी विल बिकम अ रेसिडेंट और भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। तो फर्स्ट में हमारा आ जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके बाद हम इनकी इनकम कैलकुलेट कर देंगे, तो यहाँ पर इनकम आ जाएगी 35% बिजनेस इनकम, 65% एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें दोनों इनकम बतानी है, बिजनेस इनकम कितनी, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, ये वाला बिकॉज शी इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑल्सो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, दूसरा वैसे भी अगर हम देखें तो कंसिडरेशन इंडिया में रिसीव हुई है, तो दिस वुड बी टैक्सेबल, ऑल्दो ये कॉफी ग्रो क्योर की थी, बट दिस इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो 100% टैक्सेबल हो जाएगा, तो 5 lakh पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 12 lakh में से टी वाला बिजनेस है इंडिया में है, 40% बिजनेस इनकम, 60% एग्रीकल्चर इनकम, और ये तो आपका नर्सरी वाला बिजनेस पूरा का पूरा 100% एग्रीकल्चर माना जाएगा, ठीक है। तो आई बिलीव ये आप आराम से कर लेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको करना शुरू कीजिए, जितना आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उतना कीजिएगा, ठीक है, बहुत जल्दी कोशिश कीजिए करने की, और फिर आप मेरे आंसर से इसको मैच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसको।
आई बिलीव आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से आप अपना आंसर नंबर टू करेंगे. टू ए सबसे पहले ऊपर लिख दिया कीजिए. मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा आपको नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है. आई नो कि हम लोगों को पेपर बचाने चाहिए, ट्रीज बचाने चाहिए, बट एग्जाम के लिए प्लीज एक्सक्यूज करिएगा उस चीज से. तो आपको प्लीज हमेशा नया आंसर को नए पेज से ही स्टार्ट करना है. करेक्ट. ओके. सो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस गीता आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम एग्जामिनर ने पूछा था, हमने उनको बता दिया कि कितना एग्रीकल्चर है और कितना बिजनेस इनकम होगा. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू बी. ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. टीडीएस का क्वेश्चन आ गया. टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड डिटरमाइन द अमाउंट इफ एनी ऑफ द टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स. तो ये चार नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर टू थ्री और फोर दस दस नंबर के होते हैं टोटल, जिसमें से आपको दो करने होते हैं. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना टीडीएस डिडक्ट होगा. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टीडीएस इफ एनी. मिस्टर विकास रिसीव्ड अ सम ऑफ 1,020,000 रुपीज ऑन 28th ऑफ फेब्रवरी 2024. ओके, इस साल इनको 1,020,000 रुपीज मिले हैं एज प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम से. अब पीएफ से जब हमें पैसा मिल जाता है, ठीक है, जनरली अगर 5 साल के बाद मिलता है तो फिर तो कोई इसके ये एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपका सेक्शन, अगर आपको सेक्शन याद रहे तो आप सेक्शन कोट कर सकते हैं. यहाँ पर सेक्शन की बातें हो रही है 192A, जहाँ पर हमें प्री मेच्योर विड्रॉल पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है. अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से पहले इन्होंने ये प्री मेच्योर करा लिया विड्रॉल, टीडीएस डिडक्ट होने वाला है ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इल हेल्थ. रीजन क्या था, इन्होंने क्यों कराया, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय इल हेल्थ. तो हमारे पास एक्सेप्शन है वहां पर कि अगर इनकेस प्री मेच्योर विड्रॉल हो रहा है. रीजंस क्या है उसके, हो सकता है वन ऑफ द रीजन वो कि एम्प्लॉयर का बिजनेस शट डाउन हो रहा है, उसने कर्टेल कर दिया बिजनेस, तब हम इसके ऊपर उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं और इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं आता. दूसरा रीजन होता है कि अगर एम्प्लॉई का एक्सीडेंट हो गया या ड्यू टू इल हेल्थ उसको वहां से वो पर्टिकुलर जॉब को छोड़ना पड़ा, तो उस केस में भी यहाँ पर हम लोग टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं. तो इस केस में देयर वुड बी नो टीडीएस इम्प्लीकेशन, यहाँ पर टीडीएस इम्प्लीकेशन नहीं आएंगी. रीजन क्या है, प्री मेच्योर हुआ है नो डाउट, बट इट इज ड्यू टू इल हेल्थ. करेक्ट. सेकेंड पॉइंट पर आइए, तो यहाँ पर टीडीएस की इम्प्लीकेशन नहीं आएंगी. सेकेंड कहता है इंडियन बैंक सेंक्शन एंड डिस्बर्स द लोन ऑफ 12 करोड़ टू मिस्टर बी ऑन 31st of December 2023. ठीक है, इंडियन बैंक ने 12 करोड़ का लोन सेंक्शन करा, सॉरी टू बी लिमिटेड है, मिस्टर बी नहीं है, टू बी लिमिटेड ऑन 31st December 2023 को. बी लिमिटेड पेड अ सम ऑफ 1,20,000 एज सर्विस फीस टू इंडियन बैंक फॉर प्रोसेसिंग द लोन एप्लीकेशन. बी लिमिटेड ने क्या किया, 1,20,000 रुपए एज अ सर्विस फीस दी. ऑल्दो सर्विस फीस को हम इंटरेस्ट की डेफिनेशन में लेते हैं, तो हमारे पास एक इंटरेस्ट का सेक्शन होता है. अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो तो 193 सेक्शन होता है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो है नहीं, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज होता है, तो हमारे पास 194A सेक्शन होता है. अगर आपको सेक्शन का नंबर याद रहे तो कोट कर दीजिएगा, 194A की यहाँ पर बातें हो रही हैं. और कंपनी एसएससी है, कंपनी एसएससी पे कर रहा है तो कंपनी एसएससी टीडीएस डिडक्ट कर सकता है, राइट. बट इनकेस वहां पर एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी को पैसा पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं या किसी बैंकिंग कंपनी को पैसा पे कर रहे हैं, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. तो यहाँ पर सेक्शन 194A की इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगी. यहाँ पर भी आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. रीजन आप लिख दीजिएगा, वी आर पेइंग द रिसीवर इज अ बैंकिंग कंपनी, देयरफॉर इन दैट केस देयर वुड बी नो टीडीएस इम्प्लीकेशंस. तो सर्विस फीस ऑल्दो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आता है, बट अगर हम किसी और को पे कर रहे होते, बी लिमिटेड अगर किसी और को पे कर रहा होता तो टीडीएस डिडक्ट हो जाता, बट यहाँ पर वो किसी बैंकिंग कंपनी को पे कर रहे हैं, दैट इज द रीजन टीडीएस डिडक्ट नहीं होता. तो आप आराम से इस क्वेश्चन नंबर बी को कर सकते हैं. चलिए एक बार फटाफट कर लेते हैं और फिर आप मेरे आंसर से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है.
ओके, दिस वॉज आंसर टू बी। आप देख सकते हैं मैंने इसको नेक्स्ट पेज से शुरू किया था, ऑल्दो मेरे प्रीवियस पेज पर थोड़ी स्पेस थी, हो सकता था कि मेरा आंसर यहाँ पर आ जाता, बट स्टिल प्लीज हमेशा आप जब कभी भी फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो प्लीज नए पेज से ही कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आंसर टू बी लिखा है यहाँ पर, ऑल्दो उसी का पार्ट था, बट फिर भी प्लीज अलग पेज से कीजिएगा, बिकॉज एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर ह्यूमन बींग है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो आपका आंसर मिस आउट कर दे, तो अगर वो मिस आउट कर देगा उससे तो मिस हो गया, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए प्लीज हमेशा अपना, अगर वो आपके क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है तो भी नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। दिस इज आंसर टू बी। तो यहाँ पर मैंने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बातें डिस्कस की थी मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। वैसे भी ना मैं इसका जो लिंक है ना, अपने इस वर्किंग का जो भी लिंक है वो भी मैं एज अ PDF में आपको साथ शेयर करूंगा, आपको गूगल ड्राइव का लिंक उसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड और थर्ड में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से आपको दो क्वेश्चन करने हैं, बट अभी हम तीनों क्वेश्चन ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, इट सेज मिस्टर जैन एंड हिज वाइफ मिसेस जैन आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, होल्डिंग 25% शेयर ईच, यानी कि मिस्टर जैन के पास भी 25% शेयर्स हैं, मिसेस जैन के पास भी 25% शेयर्स, का मतलब है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग है यहाँ पर 25-25, सब्सटैंशियल ओनरशिप है, दोनों लोगों की सब्सटैंशियल ओनरशिप है, 20% और मोर से सब्सटैंशियल ओनरशिप हो जाती है, सो दे बोथ हैव सब्सटैंशियल ओनरशिप इन द पार्टनरशिप फर्म। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द फर्म पेड 2,50,000 टू ईच ऑफ देम एज रेमुनरेशन। अच्छा, इन लोगों को रेमुनरेशन मिलता है, सबसे पहले याद कीजिएगा, जब कभी भी किसी पार्टनर को अपनी फर्म से रेमुनरेशन मिलता है तो वो पार्टनर की इनकम होती है अंडर द हेड PGBP, करेक्ट, पार्टनर की इनकम होगी अंडर द हेड PGBP। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर दे प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, सैलरी रिसीव्ड, यहाँ पर भी सैलरी मिल रही है, सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर जैन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अच्छा, मिस्टर जैन किसी जगह पर काम करते हैं, ही वर्क्स विद सम कंपनी और सम एम्प्लॉयर, और वहां से इनको 12,50,000 रुपीज की सैलरी मिलती है। देखिए ये इनकम तो सैलरी इनकम होगी, बिकॉज दिस इज मिस्टर जैन इज रिसीविंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो ये तो इनकम हमारी सैलरी इनकम में आने वाली है, 12,50,000 रुपीज सैलरी रिसीव हुई है, जब आप ये ग्रॉस सैलरी मानेंगे और जब हम सैलरी इनकम कंप्यूट करेंगे उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप देंगे 50,000 रुपीज की। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन FD अर्न बाय मिसेस जैन रुपीज 14 लाख, मिसेस जैन की एक इनकम होती है 14 लाख रुपीज की, इनकी FD के ऊपर इंटरेस्ट आता है। द फिक्स डिपॉजिट वॉज ओपन बाय यूजिंग हर स्त्रीधन, स्त्रीधन होता है मतलब इनके खुद के पैसे थे वो, ठीक है, वो इनके खुद के पैसे थे, यानी कि कोई क्लबिंग वगैरह नहीं होगी इस इनकम की, ये इनकम तो इनकी मिसेस जैन की खुद की थी, बिकॉज FD भी के जो पैसे थे वो इनके अपने ही पैसे थे। इनकम ऑफ देयर 3 माइनर चिल्ड्रन नीता मीता एंड सीता, ओके, वॉज 15,000, 10,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली, तो इनकी माइनर चिल्ड्रन की भी इनकम आ रही है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो इनके अपने स्किल से मैनुअल लेबर वगैरह से आई है, तो इसका मतलब ये इनकम क्लब होने वाली है, किसके हाथों में क्लब होंगी, मिस्टर जैन के या मिसेस जैन के, ईदर ऑफ द पेरेंट, डिपेंड करता है किसकी इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट टाइम क्लबिंग हो रही है तो हम ये देखते हैं फर्स्ट टाइम कि जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा है उनके हाथों में इसको क्लब करा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अब डिपेंड करता है, क्योंकि जब कभी भी इनकम क्लब होती है पेरेंट के हाथों में तो वहां पर 1500 पर चाइल्ड की एग्जम्पशन भी मिलती है, बट दैट इज एन ऑप्शनल स्कीम, अगर SSC डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहा है तो फिर 1500 पर चाइल्ड वाली एग्जम्पशन नहीं मिलती है। याद आ गया आपको ये कंसेप्ट भी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जैन एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, एज्यूमिंग दैट दे हैव शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। देखो साफ साफ ये दिया हुआ है, दे हैव शिफ्टेड आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, सिर्फ बताने के लिए कि अगर आप ऐसी इनकम को पेरेंट्स के हाथों में ऐड करेंगे, इधर ऑफ द पेरेंट मिस्टर जैन या मिसेस जैन के हाथों में, तो 1500 पर चाइल्ड की एग्जम्पशन आप दे दीजिएगा, बिकॉज SSC डिफॉल्ट स्कीम नहीं ले रहा है, करेक्ट। अगर डिफॉल्ट स्कीम ले रहे होते तो फिर तो आप पूरी इनकम क्लब कर देते, बट इस केस में वो 1500 की एग्जम्पशन हमें मिल जाएगी।
दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि इन दोनों पार्टनर्स को जो इनकम मिल रही है, जो रेमुनरेशन मिल रही है, बिकॉज दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. अब एक चीज यहाँ पर ऑल्दो शायद एग्जामिनर देना भूल गया है, एक चीज उनको देनी चाहिए थी कि दोनों को ही रेमुनरेशन मिल रही है बिना किसी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के, राइट, क्योंकि वो क्लबिंग के प्रोविजन जनरली हमसे ये पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर हम अपनी एक अजम्पशन लगाएंगे कि जो दोनों मिस्टर जैन और मिसेस जैन को रेमुनरेशन मिल रही है, दिस इज विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स, राइट, दैट इज द रीजन उसने ये सारी चीजें दी हैं हमें. तो यहाँ पर अब ये 250,000 की जो इनकम आने वाली है पीजीवीपी की, क्या वो मिस्टर जैन की इनकम होगी या मिसेस जैन की हाथों में क्लब होगा, वो डिपेंड करता है कि इनकी अदर इनकम कितनी है. तो जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा है फिर वो उनके हाथों में क्लब होती है, राइट, अगर बिना किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्किल या एक्सपीरियंस की इनकम मिलती है और दोनों ही हस्बैंड वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है तो फिर वो उनके हाथों में क्लब करते हैं जिनकी अदर इनकम ज्यादा है, करेक्ट. तो यहाँ पर हमें निकालना है इनकी ग्रॉस टोटल इनकम फॉर मिस्टर जैन एंड मिसेस जैन. चलिए शुरू करते हैं इसको. So this was answer number 3A, right? Computation of gross total income for assessment year 24-25. Mr. Jain और Mrs. Jain के लिए हमने अलग अलग कॉलम बना लिया है. सैलरी इनकम तो मिस्टर जैन की आ रही थी, वो तो उन्हीं के हाथों में टैक्सेबल होगी, और IFOS की इंटरेस्ट ऑन FD वो मिसेज जैन की इनकम, वो अपनी इन दो, ये दोनों इनकी अपनी अपनी इनकम थी, इसमें तो कोई क्लबिंग नहीं होगा. अब क्लबिंग की बातें आएंगी. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 लाख और यहाँ पर 14 लाख है, यानी कि मिसेज जैन की इनकम ज्यादा है. तो जो रेमुनरेशन मिल रही है फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, एज्यूम करेंगे दिस इज विदाउट एनी क्वालिफिकेशन स्किल या एक्सपीरियंस, तो वो बातें आप लिख दीजिएगा वो अजम्पशन. तो फिर 2.5 लाख ईच इनकम मिल रही है. अब ये दोनों ही इनकम मिसेस जैन के लिए टैक्सेबल हो जाएंगी. मिसेस जैन की इनकम रेमुनरेशन और मिस्टर जैन की, ये दोनों इनकम मिसेस जैन के लिए के हाथों में टैक्सेबल हो जाएंगी एंड दिस इज अंडर पीजीपीपी. अगर अब आप देखेंगे तो भी यहाँ पर मिसेस जैन की इनकम ज़्यादा है और माइनर चाइल्ड की इनकम नाउ इट वुड बी टैक्सेबल अगेन इन द हैंड्स ऑफ मिसेस जैन. और क्योंकि यहाँ पर हम डिफॉल्ट स्कीम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 1500 पर चाइल्ड के लिए हम मैक्सिमम एग्जम्पशन दे सकते हैं. तो 1500 देने के बाद 22,500 की इनकम आ रही है, दिस वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस जैन. तो GTI आ गया, GTI हमें निकालना था, ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख फॉर मिस्टर जैन एंड 19,22,500 फॉर मिसेस जैन, राइट. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट. सबको समझ में आ रहा है? बी पार्ट 6 मार्क्स का है, एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी से. लिखा हुआ है मिस्टर राम एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज पोस्टेड एट न्यू दिल्ली, ही जॉइंड द सर्विस ऑन 1st February 2021. ओके, he's a central government employee. Details of his income for the previous year 23-4 are as follows. ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है. सैलरी इनकम के बारे में ये क्वेश्चन पूरा लग रहा है मुझे. बेसिक सैलरी 3,80,000. यू अंडरस्टैंड बेसिक सैलरी इज फुली टैक्सेबल. पर मंथ है या कुछ नहीं लिखा? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पूरे साल की सैलरी है 380. DNS अलाउंस इज रुपीज 1,20,000 पर मंथ, नहीं लिखा हुआ, यानी कि पूरे ईयर का 120 ही है. 40% forms part of retirement benefits. ठीक है, देख लेंगे आगे कुछ बातें आएंगी retirement benefits के बारे में calculation करने के लिए, तो हम देख लेंगे. अभी तो हमें पता है कि 380 is fully taxable, 1,20,000 is
fully taxable. Both Mr. Ram and government contribute 20% of basic salary to the pension scheme referred under section 80CCD. Okay. Ram or central government, यानी कि employer, दोनों ही contribute करते हैं 20% of basic salary. यानी कि 380,000 का 20% basic salary contribute करते हैं, जो mentioned है pension scheme में, जो mentioned है 80CCD में. हम लोगों को पता है 80CCD की exemption तो हम deductions तो दे ही देंगे, but साथ साथ में salary income में जो employer का contribution होता है towards pension scheme, पहले उसको पूरा का पूरा taxable करते हैं. जब आप ग्रॉस सैलरी कंप्यूट कीजिएगा, लिस्ट बनाइएगा कौन कौन सी चीजें हमें अपने इंप्लॉयर से मिल रही हैं, बेसिक सैलरी मिल रहा है, डीए मिल रहा है, और साथ साथ में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, पहले उसको फुली टैक्सेबल करते हुए दिखाइएगा, ग्रॉस सैलरी का पार्ट मानिएगा. कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन? इंप्लॉयर. इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी नहीं है, वो तो हमारी बेसिक सैलरी वगैरह में से डिडक्ट हुआ होगा. इंप्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इसका 20% अपने ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइएगा. उसके बाद गिफ्ट रिसीव्ड, और बाद में जब हम जीटीआई आ जाएगा हमारा, वो 80CCD की रिडक्शंस तो हम देंगे ही. अब डिपेंड करता है कि एसएससी कौन सी स्कीम फॉलो कर रहा है. अगर वो डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहा है तो सिर्फ 80CCD2 की रिडक्शन मिलती है, बट अगर वो ऑप्शन स्कीम फॉलो कर रहा है, डिफॉल्ट स्कीम से वो ऑप्ट आउट कर रहा है, फिर CCD1 CCD2 दोनों मिल जाता है, और CCD1B जो एक्स्ट्रा रिडक्शन होती है 50,000 तक की, वो भी हम देख लेंगे, वो भी मिल जाती है. ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है. डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ राम फॉर द असेसमेंट ईयर, इग्नोर प्रोविजंस ऑफ 115BAC, यानी कि डिफॉल्ट स्कीम यहां पर भी फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब तो डिडक्शंस वगैरह हम लोग दे सकते हैं. फोर्थ पॉइंट सेज, गिफ्ट रिसीव्ड बाय राम्स माइनर सन ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम फ्रेंड. अच्छा, माइनर सन को बर्थडे पर गिफ्ट मिला है 70,000 रुपीज का. नो अदर गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. 70,000 रुपीज का गिफ्ट मिला है, इट वुड बी टैक्सेबल. अब ये माइनर सन के लिए टैक्सेबल काम क्या करेंगे, ये फिर हम पेरेंट की इनकम में ऐड करते हैं, जिस किसी की भी इनकम ज़्यादा है उनकी इनकम में ऐड कर देते हैं. और यहाँ पर भी अगेन हम 1500 रुपीज की यहाँ पर एग्जम्पशन दे सकते हैं, बिकॉज एसएससी डिफॉल्ट स्कीम फॉलो नहीं कर रहा, करेक्ट. तो दिस वुड बी क्लब. अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर मिसेज राम की इनकम तो शायद नहीं दी हुई, तो मानेंगे कि मिसेज राम की इनकम शायद कम है या नहीं है, तो मिस्टर राम की इनकम में इसको ऐड कर देंगे. फिफ्थ पॉइंट सेज, 25th March 2023 को राम गिफ्टेड अ सम ऑफ 6 लाख टू मिसेज राम. अच्छा, मिसेज राम की भी इनकम आ रही है. 25th March 2023, यानी कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 23-24, उससे पहले की बातें कर रहा है, लास्ट ईयर में राम ने 6 लाख रुपीज गिफ्ट किए थे मिसेज राम को टू स्टार्ट अ बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सच अमाउंट एज अ कैपिटल. 6 लाख रुपीज उन्होंने मिसेज राम के बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, लास्ट ईयर कर दिए थे, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर. इस साल हमारा फर्स्ट डे 1 अप्रैल लेते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है क्लबिंग की बातें ये कर रहा है. जब हम कभी भी इंडिविजुअल अपने स्पाउस के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उस बिजनेस से, उसका प्रपोर्शन क्लब हो जाता है. कितना प्रपोर्शन डिपेंड करता है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड थी. यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में 6 लाख रुपीज इन्वेस्टेड आएगा. क्यों? क्योंकि ये 6 लाख रुपीज हमने लास्ट ईयर ही इन्वेस्ट कर दिए थे, करेक्ट. ये डेट देख लीजिए, लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर इन्वेस्ट कर दिए थे. तो अगर हम फर्स्ट डे देखेंगे इस साल का, 1 अप्रैल 2023 में ये अमाउंट इन्वेस्टेड था, इसका मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से प्रोपोर्शन हम लोग क्लब करने वाले हैं. ऑन 1 अप्रैल 2023 हर टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वॉज 10 लाख. अब इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी, विच इंक्लूड 6 लाख गिफ्टेड बाय मिस्टर राम. तो हमें पता है इस साल जितना भी इनका प्रॉफिट आएंगे उसमें से 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, इस प्रोपोर्शन में हम लोग क्लब कर देंगे. जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे इस साल के, 6/10 हम लोग क्लब कर देंगे मिस्टर राम की इनकम में. और कौन सी इनकम बनेगी? PGBP की, बिकॉज ये उनके बिजनेस से आ रही है. जब कभी भी इनकम क्लब होती है वो सेम हेड में जाकर क्लब हो जाती है. अब इस साल का प्रॉफिट कितना है इनका? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 शी हैज अ लॉस फ्रॉम सच बिजनेस 1,30,000. प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा, क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही क्लब होते हैं, तो यहाँ पर लॉसेस भी क्लब हो जाएंगे. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1,30,000 का 6/10 निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा लॉस आएगा वो भी मिस्टर राम के रिटर्न में इसको क्लब कर देंगे अंडर द हेड PGBP, राइट. PGBP सेम हेड में जाता है. 6 पॉइंट कहता है, राम डिपॉजिटेड 70,000 इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑन दिस डेट ड्यूरिंग द ईयर. इन्होंने 70,000 कॉन्ट्रीब्यूट करा है सुकन्या समृद्धि में, 80C की रिडक्शन मिल जाएगी.
अगर ये डिफॉल्ट स्कीम ऑप्ट करते तो एटीसी नहीं मिलता है, बट यहाँ पर डिफॉल्ट स्कीम ऑप्ट नहीं हो रही है, एटीसी मिल जाएगा और एटीसी में मैक्सिमम हम लोग 150,000 डिडक्शन ले सकते हैं। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 40,000 इन द अप्रूव्ड एनुटी प्लान ऑफ एलआईसी अंडर 80CCC। ओके, देखिए एटीसी, एटी ट्रिपल सी और एटीसीडी वन इन तीनों को मिलाकर याद आ गया आपको 150,000 की रिडक्शन मिल सकती है मैक्सिमम, तो 70,000 और 40,000 110,000 तो हो चुका है हमारा लिमिट। ही हैज टेकन एन एजुकेशन लोन फ्रॉम एसबीआई फॉर हिज मेजर सन हु इज परस्यूइंग एमबीए कोर्स फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, 15,000 इंटरेस्ट फ्रॉम सच लोन पे करा है, तो आपको पता है इसमें 80E की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी, 15 जितना भी इंटरेस्ट होता है वो पूरा डिडक्शन मिल जाता है, और एसएससी तो डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर नहीं रहा है, 80E भी दे दीजिएगा, कंप्यूट द टोटल इनकम। तो ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारी सैलरी इनकम भी आ रही है, क्लबिंग के प्रोविजंस भी आ रहे हैं और डिडक्शंस भी आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो एक दो पॉइंट्स इसमें काफी अच्छे थे स्पेशली डिडक्शंस के बारे में। सो दिस इज आंसर 3B, इट सेज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो एक तो सैलरी इनकम हमने इजीली निकाल दी, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, डीएनएस अलाउंस फुली टैक्सेबल और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, पहले तो उसको पूरा का पूरा टैक्सेबल कीजिएगा जितना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा था 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 380,000 इज द बेसिक सैलरी, उसका 20% कम्स टू 76,000। तो ये सारी चीज़ें हमें सैलरी की तरफ से मिल, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही हैं, सैलरी इनकम बनेगी। दिस इज आर ग्रॉस सैलरी, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जितनी ग्रॉस सैलरी होती है या 50,000 rupees विच एवर इज लोअर, जनरली 50,000 ही आता है 50, बट फिर भी चेक कर लीजिएगा, कभी कभी ग्रॉस सैलरी कम हो तो फिर उतनी ही डिडक्शन आप लोग देंगे। तो दिस सैलरी इनकम इज 526। पीजीपीपी इनकम के बारे में हमने बातें की थी, जितना लॉस है वो भी क्लब होगा, तो 130,000 rupees का लॉस था, 6 lakh by 10 lakh क्लब, ये हमारा क्लब हो जाएगा, लॉसेस भी क्लब होते, 78,000 का लॉस आ गया। अब डिपेंड करता है ये लॉस हम किससे सेट ऑफ कर पाते हैं, बिकॉज सैलरी इनकम से तो पीजीपीपी का लॉस सेट ऑफ होता नहीं है। आईएफओएस की इनकम आ रही है, जो माइनर चाइल्ड को गिफ्ट मिला था, दैट वुड बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम, बिकॉज मिसेस राम की तो इनकम नहीं है, इनका तो लॉसेस था, तो वो मिस्टर राम की इनकम में ही ऐड होगा। 70,000 rupees माइनस 1500 बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट फॉलोइंग 115 DSC, तो 1500 माइनस कर सकते हैं,
68,500 हमारे IFOS की इनकम आई है, और कोई इनकम हमें क्वेश्चन में मिली नहीं थी। तो हमारा ये जो लॉस है PGBP का, IFOS से सेटअप हो सकता है, बट फिर भी कितना हो पाएगा, 68,500 तक तो हो पाएगा, बाकी का हम फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो लास्ट में मैंने मेंशन भी किया है, ये जरूर मेंशन किया कीजिए कि लास्ट में कैरी फॉरवर्ड भी करना है। ऑल्दो मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाऊं, तो मैंने इसमें थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, तो बट आप लोग प्लीज इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाइएगा। ओके, तो ये हमारा लॉस इसमें से 68,500 सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी का कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो फिर हमारा ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, बाकी तो 526 ही हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जल्दबाजी में एक गलती कर देते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप सीधा मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर देंगे 526 माइनस 78 प्लस 68,500, और गलती वहाँ पर हो जाएगी। प्लीज वो छोटी सी सिले मिस्टेक मत कीजिएगा, बिकॉज आपने ये पूरा इनकम को सेट ऑफ करा दिया है यहाँ से, तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि बाकी का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होगा, उससे प्लीज माइनस मत कीजिएगा उसको। तो 526 हमारा सीधा सीधा आ गया। अब डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ATC तो ठीक था, सुकन्या समृद्धि स्कीम में गया पैसा, 80CCC भी 40,000 ठीक था। अब 80CCD1 होता है इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले याद कीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम मैक्सिमम हम लोग लेते हैं, सबसे पहले तो ये 150,000 का पार्ट बनता है, 70, 40, और फिर वो 150,000 का ही टोटल पार्ट बनेगा, उससे ज़्यादा की हम डिडक्शन ले नहीं सकते। दूसरी बात, यहाँ पर इसकी अपनी इंटरनल लिमिट भी होती है 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी में क्या क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट, वो एक लिमिट होती है। तो जितना एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है या फिर 10% ऑफ सैलरी, और जो बाकी की जो हमारी लिमिट अभी रिमेनिंग बची है 150,000 माइनस 80CCC वगैरह में से जिसमें से ले चुके हैं, उन तीनों को कंपेयर करना पड़ता है। इसका एक आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ना CCD1B की डिडक्शन दे दीजिए, क्योंकि वो तो एक एक्स्ट्रा डिडक्शन होती है हमें 50,000 रुपीज की। तो इंस्टेड अभी CCD1 में पहले कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं पहले कैलकुलेट CCD1B करूंगा। ठीक है, आप दोनों कैलकुलेट कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने सीखा है, अगर आप इसको भी कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और वहां पर गलती के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इससे अच्छा कि आप CCD1 निकालें, सबसे पहले आप CCD1B निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो हमें पता चला एम्प्लॉय कर रहा था अपनी बेसिक सैलरी का 20%, तो वो था हमारा सेम आ रहा था 76,000 वो कर रहा था। तो इसका मतलब हमें CCD1B में तो सीधा सीधा हमारे पास 50,000 तक की लिमिट होती है। तो एक काम करते हैं ना, 76,000 में से 50,000 रुपीज़ सीधा सीधा हम लोग 80CCD1B की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, CCD1B में 50,000 की डिडक्शन दे देंगे, बाकी का जो 26,000 बचेगा वो CCD1 के लिए हम लोग रख लेंगे, वहां पर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आप CCD1B डायरेक्ट दे दीजिए 50,000। अब आ जाइए CCD1 का। CCD1 की अपनी लिमिट होती है 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी में क्या कह लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट, उसका 10%, तो वो आया 42,800। और एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 76,000 एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट 50,000 रुपीज़ हमारा ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है CCD1B में, तो बाकी का रिमेनिंग 26,000। तो इन दोनों में से लोअर कितना आएगा, 26,000। अब तीसरी चीज ये देख लीजिएगा, बिकॉज 80C, CCC और CCD1 तीनों लिमिट मिलाकर 150 से क्रॉस ना करे, मैक्सिमम 150 मिलेगा। तो 70,000 प्लस 40,000 110,000 प्लस 26,000, क्योंकि लोअर आ रहा है इसमें से, तो हमारा विद इन लिमिट आ रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब 80C, CCC और CCD1 की रिडक्शन ये मिल जाएगी। तो 1B की तो हमें पहले लिखी थी 50,000। CCD2 की कितनी रिडक्शन होती है, जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 14%। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक गलती कर सकते हैं, यहाँ पर आप 10% स्टूडेंट्स ले सकते हैं, प्लीज मत लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए 14% लेते हैं। तो प्लीज 14%, यहाँ पर एक गलती हो सकती थी, तो ये गलती ना करें। तो दिस इज 59,920, 80 एजुकेशन लोन था, 15,000 आ जाएगा। तो ये हमारी डिडक्शन हो गई, एंड दिस इज आर टोटल इनकम 265,080। लास्ट में लिखना मत भूलिएगा कि PGBP का लॉस था, जो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा सा एक दो चीजें एग्जामिनर हमसे ट्रिक कर रहा था, बट हम लोग इजीली इसको कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं, देखिए इनकम टैक्स का स्पेसिफिकली थोड़ा कोर्स ज्यादा होता है,
बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, टीडीएस के प्रोविजंस हैं, डिडक्शंस के प्रोविजंस हैं, इतनी सारे सेक्शंस हैं, छोटी छोटी लिमिट्स हैं, परसेंटेजेस हैं, भूल जाते हैं। आप भी करते समय, आप अभी जब आप ये एमटीपी कर रहे हैं तो कुछ प्रोविजंस तो मैं भी आपको याद दिला, बट फिर भी आपके दिमाग आपको लग रहा होगा अरे यार मैं ये भूल रहा हूँ, ये मैं भूल रहा हूँ, कैसे होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 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 मैं अभी आपके साथ रिवाइज करा रहा हूँ आपको, तो आपको वो प्रोविजंस याद आ रहे होंगे। देखो बेटा ऐसे ही रिवाइज होता है, ठीक है, आप लोग कोई डिफरेंट नहीं हो, सभी के साथ यही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रिविजन्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी रिविजन करें, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करें, बहुत जल्दी जल्दी करें। इसे टीडीएस पकड़ लीजिए, आप अच्छी टीडीएस का चैप्टर उठाइए और फटाफट जहाँ पर भी आपने जैसे भी पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है आपने, उन्होंने कुछ नोट्स दिए होंगे, नोट्स बनवाए होंगे, आप प्लीज जल्दी से उसको रीड करिए। आप मैक्सिमम ना 40-45 मिनट्स दीजिए टीडीएस और टीसीएस दोनों को, फटाफट रीड कीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम कुछ और देख लीजिए, अगर आज ही आपको टाइम मिले तो फिर डिडक्शंस को एक बार देख लीजिएगा। तो हमें, हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि हमने कोई चैप्टर पढ़ा था और उसको बहुत टाइम के लिए 15-20 एक महीने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया, एक महीने के लिए छोड़ दिया, तो फिर दोबारा से करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा कि फटाफट उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करें, अभी भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। मल्टीपल टाइम अगर आप रिविजन करेंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी करें। टीडीएस मान लेते हैं 45 मिनट्स में कर लिया, 3-4 दिन के बाद फिर उठा लीजिएगा, 30 मिनट्स में कर पाएंगे, और 2-3 दिन के बाद जब फिर दोबारा से उठाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम प्रोविजंस याद रहेंगे। क्लियर है? तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, बस इस समय आपको एक काम करते रहना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बस इस समय पढ़ते रहिए पूरा, राइट। देखिए यही टाइम है जो अब आप अच्छे से अपनी पूरी मेहनत, देखो आपसे आज से पहले आपने 6 महीने पहले तक जो भी किया था, या पिछले 8-10 महीने में, 1 साल में आपने जो भी किया था, वो एक तरफ है, बट एग्जाम से पहले के 20-25 दिन पहले का एक महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी मेहनत आपने लास्ट 1 साल में की थी, ठीक है, समझ लीजिए कि वो एक बेस था। मेन आपको जो एग्जाम में जो पास कराती है ना, वो ये वाला मंथ कराता है, ये वाला मंथ, इसको बिल्कुल वेस्ट मत होने दीजिएगा। आपका इस समय कोई भी लेवल हो, तैयारी हमारी 50% हो, 60% हो, 70% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस इस समय आप लोग हौसला अपना बिल्कुल मत खोइएगा, कॉन्फिडेंस पूरा बना के रखिए, इजीली पास हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइएगा। इट सेज डिटरमाइन द कैपिटल गेन्स और लॉसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स STT paid both at the time of acquisition and transfer of shares. Shares की बातें हो रही हैं, STT की बातें हो रही हैं, यानी कि यहाँ पर तो या तो फिर हमारा 111A आ सकता है, जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म अगर आएगा तो 15% का टैक्स लगता है, और 112A आ जाएगा मतलब लॉन्ग टर्म, तो 10% का टैक्स लगता है, इन एक्सेस ऑफ 1 lakh rupees, याद आता है आपको। देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे क्वेश्चन। STT paid both at the time of acquisition and transfer of shares, ठीक है, दोनों समय हमने STT pay किया था। And units of equity oriented mutual funds, देखे वही बातें हो रही है, 111A की या 112A की। तो हमें निकालना क्या है, if any, सबसे पहले हमें capital gain निकालना है, and tax if any, यानी कि tax भी निकालना पड़ेगा, payable thereon in the following cases, assuming that these are the only transactions covered under section 112A. 112A लिखा हुआ है, यानी कि long term की बातें होंगी, 10% in excess of 1 lakh rupees. फर्स्ट पॉइंट कहता है, तो ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में ना, देखो ये भी 4A है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी 4A है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक अपना इंटरनल वहां पर हमारा ऑप्शन आ रहा है, राइट, और फिर 4B तो करना ही करना है अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट कर रहे हैं तो। चलिए पहले ये देखते हैं कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन। तो मिस्टर शगुन परचेज 300 शेयर्स इन ए लिमिटेड On 20th May 2017 में इन्होंने परचेज किया था, लॉन्ग टर्म आ रहा है, एट अ कॉस्ट ऑफ 400 पर शेयर, ठीक है। ही सोल्ड ऑल दी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31st May 2023, यानी कि ड्यूरिंग दिस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर में 23-24 में इन्होंने 300 शेयर्स को पूरा सारा का सारा सेल आउट कर दिया फॉर ₹1200 ईच। द प्राइस एट विच दीज शेयर्स वर ट्रेडेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31st January 2018 is as follows. तो हमें यहाँ पर इनका कैपिटल गेन निकालना है। सबसे पहले
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, एक साल से ज्यादा हमारा हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, 300 शेयर्स इंटू 1200 पर शेयर हमने यहाँ पर इसको बेचा है। कॉस्ट क्या लेते हैं, देखिए अगर ये 31 जनवरी 2018 से बाद अगर हमने परचेज किया था फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कॉस्ट हम वो ले लेते हैं अगर ये 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज किए गए थे। पर आपको मैं बता दूं आपको 112A में कोई इंडेक्सेशन भी नहीं होती है। दूसरी बात, इनकेस अगर ये 31 जनवरी 2018 या उससे पहले परचेज किए गए थे जो इस केस में आ रहा है, 2017 में परचेज किए गए थे, तो यहाँ पर हम लोग अपनी कॉस्ट लेते हैं एज ऑन विच इज एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो 31 जनवरी 2018 की हमें वैल्यू दी गई है। अब बताया गया है कि 31 जनवरी 2018 को हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस 700 रुपीज, उस दिन ये ट्रेड हो रहा था जो इसका हाईएस्ट प्राइस गया था वो 700 था। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 680 था, लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस 660 था। तो हम यहाँ पर 112A में क्या लेते हैं, जो भी हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था। तो इस केस में हम लोग लिख देंगे कि दिस इज द वैल्यू, दिस इज द कॉस्ट, ये हम अपनी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे एज ऑन 31 जनवरी 2018 की। और इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम लोग अपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस से, इट शुड नॉट बी मोर देन आर एक्चुअल सेलिंग प्राइस। याद आता है आपको 112A के कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन आने वाला है, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 300 शेयर्स इंटू 1200, राइट, ये आपका कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, बिकॉज ये 31 जनवरी 2018 से पहले पहले ही हमने एक्वायर किया था और वो 400 रुपीज़ का एक्वायर था, तो हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर 700 से कंपेयर कीजिएगा, 700 आएगा। बट प्लीज ध्यान रखिएगा ये जो आप कॉस्ट ले रहे हैं इट शुड नॉट एक्सीड योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक बात है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारी 1200 है, उससे ज़्यादा तो आ नहीं रही है। तो 300 इंटू 700 ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इंडेक्सेशन 112A में नहीं होता है और आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 500 रुपीज़ पर शेयर इंटू 300, 150,000 का आपका कैपिटल गेन आएगा। हम लोग बता देंगे दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 150,000। इसके ऊपर हमें टैक्स भी बताना है कि कितना होगा। तो शुरू के 1,00,000 पर तो नहीं होता, ठीक है, हम 112A में से 1,00,000 रुपीज़ के जो एक्सेस अमाउंट होता है उसके ऊपर 10% लगाते हैं। तो इसमें से 1,00,000 रुपीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 50,000 रुपीज़ के ऊपर 10% का टैक्स आएगा, 5,000 रुपीज़ प्लस सेस वगैरह, राइट। उसके बाद हमें कोई अदर इनकम नहीं दी गई है, सिर्फ हमें यही इनकम दी है तो हमसे इसी के ऊपर टैक्स पूछा था तो हमने इसके ऊपर निकाल दिया। कोई स्लैब रेट्स वगैरह अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं मानते हुए चल रहा हूँ जो इनकी अदर इनकम है वो हमें गिवन नहीं है। तो नॉर्मली इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो 10% आएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है मिस्टर राज परचेज 200 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो इन्होंने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये भी हमारे 112A में आते हैं, शॉर्ट टर्म हो तो 111A में आते हैं। फंड ए ऑन 1st of February 2017 एट अ कॉस्ट ऑफ 550 पर यूनिट। यहाँ पर भी वही बात आ गई, हमने जनवरी 2018 से पहले पहले खरीदा हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग जनवरी 2018 की वैल्यू देखते हैं। और वही अगर वो हमारे शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स ट्रेडेड रहते हैं, यहाँ पर अगर ट्रेडेड हैं तो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस देखना है। और अगर हमारे 31st, ये बात इंपॉर्टेंट है, 31 जनवरी 2018 में अगर ये फंड्स ट्रेड हो रहे थे तो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस देख लीजिएगा, बट अगर ये लिस्टेड नहीं थे, अगर ये ट्रेड नहीं हुए थे इस दिन, तो हम फिर इसकी नेट असेट्स वैल्यू देख लेते हैं, NAV। बट हमें लेनी वैल्यू होती है एक्चुअल कॉस्ट या फिर 31 जनवरी 2018 की वैल्यू, विच एवर इज हायर। हाँ, और ये जो वैल्यू लेंगे आप, इट शुड नॉट बी मोर देन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हम कॉस्ट रख नहीं सकते, ये आपके 112A के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। याद आ गया आपको पुराने प्रोविजंस अपने। द यूनिट्स वर नॉट लिस्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो जिस समय हमने परचेज किया था उस समय तो ये यूनिट्स लिस्टेड नहीं थे। सब्सिक्वेंटली यूनिट्स ऑफ फंड ए वर लिस्टेड ऑन 1st January 2018, यानी कि जो हमारी डेट होती है 31st January 2018, प्लीज़ ये डेट याद रखिएगा, 112A के लिए इंपॉर्टेंट डेट होती है 31st January 2018। मुझे प्लीज़ बताइए क्या इस दिन ये लिस्टेड थे। हाँ सर, इस दिन लिस्टेड हो गए, बिकॉज 1st January 2018 को लिस्टेड हो गए, इसका मतलब 31st January 2018 को लिस्टेड थे। अगर ये यहाँ पर लिस्टेड हो गए फिर हमारा काम ईजी हो गया, तो जो भी उस दिन हाइएस्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है वो हम कॉस्ट ले लेते हैं। इनकेस अगर ये इस दिन भी लिस्टेड नहीं होते तो फिर हमारे पास ट्रेडिंग प्राइस तो आता नहीं, फिर उस केस में हम इनकी इस डेट की नेट असेट वैल्यू ले लेते जो उस म्यूचुअल फंड की होती।
Mr. Raj sold all the units on 3/4/2023 for rupees 900 per share. तो इन्होंने इस साल प्रीवियस ईयर 23rd of April को यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 में 900 रुपीस इनका सेलिंग प्राइस है पर यूनिट का. द डिटेल्स रिलेटिंग टू कोटेड प्राइस ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड नेट असेट्स वैल्यू ऑफ द यूनिट्स आर गिवन हियर अंडर. देखो दोनों आपको वैल्यू दी हुई है एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए. ट्रेडिंग का प्राइस भी दिया हुआ है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उनका ट्रेडिंग का प्राइस क्या था और साथ साथ में नेट असेट वैल्यू भी दी गई है. नेट असेट वैल्यू यहाँ पर हमारे काम की नहीं है. रीजन बीइंग वो 31 जनवरी 2018 को ट्रेड हो गए थे, लिस्टेड हो गए थे, राइट. तो इसलिए मेरी ये नेट असेट वैल्यू काम की नहीं है. ये बात आप एग्जामिनर को बता दीजिएगा सिंपल एक नोट देकर. तो यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस 750 रुपीज, ठीक है. एवरेज नहीं लेना, लोएस्ट नहीं लेना. तो इस दिन का जो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था बिकॉज इस दिन ये यूनिट्स लिस्टेड थी. अगर ये लिस्टेड नहीं होती तो फिर हम नेट असेट्स वैल्यू 800 रुपीज ले लेते. और वैसे भी हमारा सेलिंग प्राइस कितना, 900. सेलिंग प्राइस से ज़्यादा तो जा नहीं रहा वैल्यू इसकी, तो 750 ले सकते हैं. एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 550, और 750 विच एवर इज हायर 750. एक बार 750 को सेल कंसिडरेशन से कंपेयर कर लिया कीजिए, कहीं उससे ज़्यादा तो कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, राइट. तो उससे ज़्यादा नहीं आ रही यहाँ पर. तो 900 रुपीज पर यूनिट आपने बेचा है, 750 आपकी वैल्यू आएगी. 150 पर यूनिट आपका, मैं एक यूनिट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, इसकी इतनी आपकी गेन आ जाएगा. और 200 आपने यूनिट्स बेची हैं, कितना आएगा, 30,000 आ गए. तो बस यहाँ पर तो टैक्स आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1,00,000 रुपीज तक तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है, वहाँ तक तो हम टैक्स लगाते नहीं. तो इन एक्सेस ऑफ 1,00,000 भी लगाते हैं तो यहाँ पर टैक्स हमारा कुछ नहीं आएगा. गेन बता दीजिएगा 30,000 आएगा, बट टैक्स कुछ नहीं होता. क्लियर है? तो दिस वॉज ऑल अबाउट 112A वाला क्वेश्चन था ये. एक बार इसको भी कर लेते हैं हम अपने. ओके, ओके. तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज 4A फर्स्ट ऑल्टरनेटिव. सेकेंड ऑल्टरनेटिव भी है, उन दोनों में से आपको एक इंटरनल चॉइस है. यहाँ पर 4A में से आपके पास दो चीज़ें हैं, दोनों में से कोई एक करिएगा, एक क्वेश्चन करिएगा. कंप्यूट द कैपिटल गेन एंड टैक्स देयर ऑन. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला देखा है कि यहाँ पर शेयर्स बेचे हैं, इक्विटी शेयर्स 300 × 1200, 360,000. कॉस्ट कितनी लेनी है, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, विच एवर इज हायर लेनी होती है. तो मैंने पर शेयर की लिख दी है 400 और 700, विच एवर इज हायर, राइट. हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये आप फेयर मार्केट वैल्यू लें, दिस शुड नॉट बी मोर देन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस. तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो हमारा 1200 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 700 हम ले सकते हैं. अच्छा, इन दोनों में से हायर कितना है, 700. तो हमारा कॉस्ट बन जाती है 700 रुपीज पर शेयर इंटू 300, 210,000. तो दिस माइनस दिस वुड इज गिविंग मी 150,000 एज कैपिटल गेन अंडर 112A. इसमें से आप 1,00,000 रुपये पर आप टैक्स नहीं लगाएंगे, इन एक्सेस ऑफ 1,00,000 रुपीज टैक्स लगाएंगे एट अ रेट ऑफ 10%, 5,000 रुपीज प्लस सेस, राइट. और इसका सेकेंड पार्ट था जहाँ पर हमने इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स बेची हैं SSE ने. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 200 यूनिट सेल आउट करेंगे 900 रुपीज की, 1,80,000 रुपीज. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट दी गई थी 550 रुपीज, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018. मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि अगर ये 31 जनवरी 2018 को लिस्टेड है, फिर हम ट्रेडिंग प्राइस लेते हैं, वो भी हाईएस्ट. अगर ये लिस्टेड नहीं होता तब हम NAV ले सकते थे. तो ये बात मैंने नीचे लास्ट में नोट में लिख दी है, बिकॉज वो लिस्टेड था इसलिए हम ट्रेडिंग प्राइस ले रहे हैं, NAV नहीं ले रहे हैं.
तो इस तरीके से हमारा कैपिटल गेन आता है 30,000 रुपीज, उसके ऊपर कोई टैक्स आ नहीं पाएगा बिकॉज फर्स्ट 1 लाख के ऊपर तो हम कोई टैक्स लगाते नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कोई टैक्स बनेगा नहीं, राइट। सो दिस वॉज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। आप इसको पॉज करना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। एंड दिस वॉज द सेकेंड वन। ओके, 4A सेकेंड ऑल्टरनेटिव। देखिए इंटरनल चॉइस है आपके पास यहां पर। मिस्टर अमन हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पेमेंट्स मेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। तो अमन ने कुछ पेमेंट्स की हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करा है टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च अगर आपको सेक्शन का नंबर याद है, सेक्शन 35 होता है PGBP में। इट इज सेइंग पेमेंट मेड टू AB यूनिवर्सिटी एंड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी 15 लाख रुपीज। हमने एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को पेमेंट की है। पेमेंट मेड टू CR कॉलेज 17 लाख। पेमेंट टू IIT बेंगलोर एज पर अप्रूव्ड प्रोग्राम 12 लाख रुपीज। मशीनरी परचेज फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च 25 लाख। तो यहाँ पर ये तीनों तो देखिए आउटसाइड रिसर्च है, ये हमारी तीनों आउटसाइड रिसर्च है, यहाँ पर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। एंड दिस वन इज आर इन हाउस रिसर्च, ये हमारी इन हाउस रिसर्च है। अब हमें जो डिडक्शन मिलती है वो आउटसाइड रिसर्च पर भी मिल जाती है और इन हाउस रिसर्च पर भी मिल जाती है इनकेस असेसी 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रहा है, राइट। अगर वो ऑप्शन स्कीम में जाता है तो आउटसाइड रिसर्च पर भी हम 100% डिडक्शन दे सकते हैं, इन हाउस रिसर्च पर भी हम 100% डिडक्शन दे सकते हैं, करेक्ट। बट अगर असेसी 115 BAC ऑप्ट कर रहा है देन वी कैन नॉट गिव डिडक्शन ऑफ आउटसाइड रिसर्च, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन हाउस रिसर्च के ऊपर डिडक्शन देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 35 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर दिस व्हाइल कंप्यूटिंग हिज इनकम अंडर द हेड PGBP अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एज पर 115 BAC। तो यहाँ पर हमारा असेसी 115 BAC ऑप्ट कर रहा है, तो बहुत सिंपल हो गया। अब ये क्वेश्चन हम इन तीनों की तो कोई डिडक्शन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी डिडक्शन मिलेगी 25 लाख, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी ऑल्टरनेटिव था, तो अगर मैं होऊंगा तो मैं तो ये वाला चूज करूंगा, बहुत आसान है, ठीक है। इससे तो ज़्यादा आसान यही था, आई बिलीव ये आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, मैं कराऊँ इसको क्या लिखवा कर, चलिए मैं करा देता हूँ, अदरवाइज मुझे लगता है तो बहुत ईजी है। तो आई बिलीव ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ, ये आपको आ गया होगा। चलिए अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, 4B सैलरी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। मिस्टर सलेश इज अ मार्केटिंग मैनेजर इन स्माइल लिमिटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। यहाँ पर हमें इनकी सैलरी इनकम निकालनी, इजी क्वेश्चन लग रहा है। बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ फुली टैक्सेबल होगा। DNS अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, ओके फुली टैक्सेबल। अच्छा यहाँ पर कुछ फॉर्मिंग पार्ट नहीं दिया गया, तो फिर हम कहीं पर भी अगर इसकी जरूरत होगी फॉर्मिंग पार्ट की तो हम मानेंगे कि DA डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट। अगर वो स्पेसिफिकली दिया होता है कि इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स तभी हम लोग लेते हैं, राइट। तो अगर हमें कुछ ऐसी जरूरत होगी तो वी विल नॉट टेक DA एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद ही इज प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव्ड बाय IRDA फॉर विच 20,000 इनकर्ड बाय स्माइल लिमिटेड। ये क्या हो रहा है, इनकी एम्प्लॉयर स्माइल लिमिटेड इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कर रही है, दैट इज फुली एग्जेम्प्ट। तो ये हमारा एग्जेम्प्ट परक्यूजिट बन जाएगा, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। 20,000 रुपीज हालांकि कंपनी खर्च कर रही है बट हमारे लिए वो एग्जेम्प्ट परक्यूजिट होगा, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। Fourth is received 10,000 as a gift voucher on the occasion of his marriage anniversary from Smile Limited. हमें गिफ्ट वाउचर मिला है, कि इन काइंड में गिफ्ट मिला है, तो
5,000 रुपीज से ज्यादा वैल्यू का था. तो यू हैव टू ऑल्टरनेटिव, आपके पास दो ऑप्शन है. या तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर 5,000 से ऊपर है तो फिर पूरा टैक्सेबल कर दीजिए. तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा 10,000 रुपीज टैक्सेबल कर देंगे बिकॉज इट वॉज मोर देन 5,000 रुपीज. सेकेंड ऑल्टरनेटिव ये होता है, वो भी ठीक होता है, बट दैट इज अ सेकेंड ऑल्टरनेटिव कि अगर ये 5,000 रुपीज से एक्स्ट्रा है तो जितना एक्सेस है बस उतना टैक्सेबल कीजिए. तो उस केस में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि इसमें से 5,000 रुपीज इसमें से एग्जेम्प्ट कर दीजिए, बाकी का रिमेनिंग 5,000 टैक्सेबल कर दीजिएगा, वो भी ठीक होगा. आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा 5,000 का, बट दोनों ही आंसर ठीक होते हैं. बट इंस्टीट्यूट एक्चुअली फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज करता है, तो आप लोग ऑल्दो दोनों आंसर देता है बट दैट इज द ऑल्टरनेटिव आंसर, करेक्ट. तो हम फर्स्ट आंसर ही लेते हैं, पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे अगर वो 5,000 से ऊपर. देखिए अगर कुछ कैश में गिफ्ट मिलता है, कैश में गिफ्ट तो फुली टैक्सेबल होता है चाहे वो 5,000 से कम हो या ज्यादा हो, बट गिफ्ट इन काइंड तभी टैक्सेबल होते हैं इनकेस वो 5,000 रुपीज से ज्यादा हो. तो इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा एंड आई एम टेकिंग दैट ऑल्टरनेटिव, वो ऑप्शन जहां पर ये पूरा टैक्सेबल में कर रहा हूं. स्माइल लिमिटेड अलॉटेड 800 स्वेट इक्विटी शेयर्स इन ऑगस्ट 23. द शेयर्स वर अलॉटेड एट 450 पर शेयर एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन वाज 700 रुपीज. तो देखिए हम ये देखते हैं कि जिस दिन हमें हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी स्वेट इक्विटी शेयर की, तो इट वॉज 700 रुपीज. और हम इसके कितने पैसे पे कर रहे हैं 450. तो कितना फायदा हो रहा है, 700 माइनस 450 पर शेयर का इंटू 800 शेयर्स, इट्स अ टैक्सेबल परक्यूसिट. सिक्स पॉइंट कहता है ही इज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर 2019. इनको हमने फर्नीचर प्रोवाइड किया था. द फर्नीचर इज यूज एज एट हिज रेसिडेंस फॉर द पर्सनल पर्पज. द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज 1,10,000. ओके, हमने इनको यूज करने के लिए दिया हुआ है फर्नीचर, तो उसके लिए अगर हम असेट्स यूज करने के लिए देते हैं तो डिपेंड करता है कौन सा असेट हमने यूज करने के लिए दिया है. तो इनकेस अगर ये लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होते हैं तो उसके लिए तो हम कुछ परक्यूसिट नहीं बनाते, करेक्ट. इनकेस मोटर कार फैसिलिटी देते हैं तो आपको पता है कि मोटर कार फैसिलिटी का परक्यूसिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं. अदर असेट्स के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट. तो 1,10,000 रुपीज का 10% पर एनम ये हमारा यूज करने का परक्यूसिट बन जाएगा, राइट. आगे भी कुछ और लिखा हुआ है. ऑन 31st March 2024 द कंपनी ऑफर्ड द फर्नीचर टू हिम एट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम टूवर्ड्स द फर्नीचर टिल डेट. देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो हमने यूज करने पहले तो हमने इसको यूज करने के लिए दिया था फर्नीचर, बट बाद में 31st March 2024 को हमने इनको फर्नीचर परमानेंटली दे दिया, यानी कि सेल कर दिया एक तरीके से, बट कितने पैसे रिकवर करे उनसे, कुछ भी नहीं, एक रुपया भी हमने उनसे नहीं लिया. यहां पर एक्चुअली आपके दो परिक्विजिट है, फर्स्ट तो यूज ऑफ फर्नीचर, फिर सेकेंड है परचेज ऑफ फर्नीचर. जो परचेज अगर आपने सस्ता खरीदा और इनफैक्ट ये आपने फ्री में ही खरीद लिया, तो ऑब्वियसली अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यूज निकालिए कितने दिन यूज हुआ. सर 2019 से पूरा निकालेंगे, अरे नहीं, हम लोग प्रीवियस ईयर है हमारा 23-24, राइट. तो इस प्रीवियस ईयर का आपको परक्यूसिट निकालना है. तो पहले तो हमने इसको पूरे साल यूज किया, ये जो हम खरीद रहे हैं या फिर ये जो हमें ऑफर हो रहा है एक तरीके से, ये तो एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, करेक्ट. तो हमने पूरे साल इसको पहले यूज किया, तो यूज का परक्यूसिट पूरे साल का निकलेगा. 1,10,000 का 10% एक्चुअल कॉस्ट का 10% पूरे साल का, और ये पूरे साल का आ रहा है 10%, 11,000 रुपीज आ जाएगा. फिर दूसरा परक्यूसिट आपको निकालना के देखना होगा कि एक्चुअली जब ये हमें मिला तो उसकी वैल्यू कितनी थी, तो उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको. तो 1,10,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा, जब से इसको कंपनी ने खरीदा था, जब से यूज करना शुरू किया था, पुट टू यूज करते हैं तब, और तब जब तक हमें ये मिला, हम देखते हैं कि कितने कंप्लीटेड ईयर्स हो रहे हैं और उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं. अब अगर आपको कंप्यूटर ऑफर किया जाता है, कंप्यूटर देखो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया, दैट इज नॉट अ परक्यूसिट. बट अगर आपको वो कंपनी ऑफर करती है कि आप इसको खरीद लीजिए या हम आपको फ्री में दे रहे हैं परमानेंटली, तब वो आपका परक्यूसिट बनता है. उस पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, पुराना कंप्यूटर या लैपटॉप अगर मिला तो उसके ऊपर हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है 40 मत बोलिएगा, वो तो पीजीबीपी के रेट्स होते हैं. यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ परक्यूसिट कैलकुलेशन कंप्यूटर्स लैपटॉप के ऊपर हमारा 50% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगता है, मोटर कार के ऊपर 20% हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगता है, बट अदर असेट्स के ऊपर हमारा 10% डेप्रिसिएशन लगता है, वो भी SLM कंप्लीटेड ईयर्स का, राइट. तो यहाँ पर ये अदर असेट्स है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कंप्लीटेड ईयर्स कितने हो रहे हैं. तो सितंबर 2019 को ये फर्नीचर लिया गया था, ठीक है, और हमें ये मिल गया 31st March 2024 को. तो
तो इसका मतलब सितंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 24 तक ये देखना होगा कंप्लीटेड इयर्स कितने हुए। तो 2020 सितंबर एक साल हो गया, 2021 सितंबर, 2022, 2023, एक दो तीन चार, चार कंप्लीटेड इयर्स हो रहे हैं। करेक्ट, सब लोग को समझ में आ रहा है सितंबर 19 से लेकर एक्चुअली सितंबर 2023 तक हमारे चार साल हो रहे हैं। बिकॉज ई वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, बिकॉज ओनली एंड ओनली कंप्लीट ईयर्स लेते हैं, पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करना पड़ता है। तो हम चार साल का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से निकलेगा, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 110,000 के ऊपर आप 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन, वो भी चार साल का, स्ट्रेट लाइन लग रहा है तो सीधा निकाल सकते हैं। तो 44,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ गया, राइट। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 110,000 माइनस 44,000, सो दिस वुड बी 66,000, राइट। कितनी वैल्यू आ गई है ना, हाँ जी 66,000 वैल्यू आ गई। और आपको कितने में मिल रहा है, वो कितने पैसे आप इंप्लॉई से रिकवर कर रहे हैं, जीरो। तो पूरा 66,000 रुपीज हमारी परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी। सो दिस पॉइंट हैज टू परक्यूजिट, एक तो यूज ऑफ फर्नीचर, दूसरा परचेज ऑफ फर्नीचर। इनफैक्ट वो हमें फ्री में मिल रहा है, तो जितनी भी उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू है माइनस कॉस्ट, माइनस जितना हम पे कर रहे हैं, दैट इज जीरो। तो 66,000 हमारी वैल्यू आ रही है वो। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव 10,000 रुपीज टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है, ओके। अच्छा, क्या यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 में वो भी मिलेगी क्या? नहीं। देखिए, सबसे पहले तो वो डिडक्शन अगर ये डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहे होते तो वो डिडक्शन तो मिलती नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा बताया नहीं गया कि वो डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहे हैं, 115 पीएससी ऑप्ट आउट कर रहे हैं। दूसरी बात हमें पता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ये अमाउंट तो पहले पूरा टैक्सेबल होगा और इसकी कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी बाद में, करेक्ट, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आगे लिखा हुआ है हाउसिंग लोन एट अ रेट ऑफ 4.5% पर एनम प्रोवाइडेड बाय स्माइल लिमिटेड। स्माइल लिमिटेड ने हाउसिंग लोन दिया है इनको और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 4.5% का, ओके। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2023 इज 15 लाख। 50,000 इज पेड बाय सलेश एवरी क्वार्टर टुवर्ड्स प्रिंसिपल स्टार्टिंग फ्रॉम June 2023, ओके। 1/4/2023 को आउटस्टैंडिंग कितना था, 15 लाख। उसके बाद हमने जून में इसमें से 50,000 रुपीज पे कर दी और हर क्वार्टर में फिर हम 50,000 रुपीज पे कर रहे हैं, यानी कि हमारी आउटस्टैंडिंग कम हो रही है, ओके। द लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई फॉर द सिमिलर लोन एज ऑन 1/4/2023 इज 8%। सबसे पहले ये कंसेशनल लोन मिल रहा है आपको, ठीक है, राइट, सबको समझ में आ गया, कंसेशनल लोन फैसिलिटी है। बैंक का रेट, एसबीआई का रेट 8% है, आपको मिल रहा है 4.5% पर, यानी कि 3.5% का परक्यूजिट बनेगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमारी आउटस्टैंडिंग चेंज हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको हर मंथ के एंड की आउटस्टैंडिंग देखनी होती है कि हर मंथ के एंड में मेरी कितनी आउटस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप 3.5% के हिसाब से परक्यूजिट बना दीजिएगा। देखिए, अप्रैल में आउटस्टैंडिंग 15 लाख थी और वो जाकर चेंज हो रही है जून में, इसका मतलब अप्रैल में, अप्रैल के एंड में आउटस्टैंडिंग 15 लाख है, मई के एंड में आउटस्टैंडिंग 15 लाख है, जून में वो 14.5 लाख हो गई होगी। और फिर वो कहते हैं कि हर क्वार्टर में हम 50,000 पे कर रहे हैं, इसका मतलब जून में हमने पे किए, नेक्स्ट हम सितंबर में पे करेंगे, तो जुलाई में भी 14.5 रहेगा, अगस्त में भी 14.5 रहेगा, बट सितंबर में 14 लाख हो जाएगा। तो हर तीन महीने के बाद चेंज करते रहिएगा, मार्च 2024 तक आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी आपकी आउटस्टैंडिंग आ रही है, इसके ऊपर 3.5% का इंटरेस्ट लगाइएगा वन मंथ का, क्योंकि आप हर मंथ का अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वन मंथ का लगाइएगा टोटल, ये इंटरेस्ट जितना भी सेव करा है वो ऐड कीजिएगा, दैट वुड बी द परक्यूजिट फॉर द कंसेशनल लोन फैसिलिटी, राइट। और लास्ट दिया हुआ है फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप कॉस्टिंग ₹50,000, हमने फैसिलिटी दी गई है, मतलब यूज करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जाए, दैट इज अ टैक्स फ्री परक्यूजिट, उस वो एग्जेम्प्ट होता है, इस पर टैक्स मत लगाइएगा। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये क्या वो परमानेंटली बेच रहे हैं, नहीं, सिर्फ यूज करने के लिए दिया है, तो दैट इज नॉट अ परक्यूजिट। तो अगेन इट वॉज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, पूरा का पूरा सैलरी का क्वेश्चन था, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर। चलिए शुरू करते हैं इसको।
दिस इज फाइनली योर सैलरी क्वेश्चन राइट। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन जो कंसेशन लोन की थी वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था प्रोसेस, अदरवाइज इट वॉज अ इजी क्वेश्चन। सैलरी, डीएनएस अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट, गिफ्ट वाउचर 5000 रुपीज से ज्यादा था तो पूरा टैक्सेबल करिए। अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट 5000 को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग होता है वो भी टैक्सेबल कर सकते हैं, दैट इज योर विश, बट दिस इज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव राइट। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंसेशनल अमाउंट में मिल रहे हैं, 700 रुपीज का शेयर आपको 450 में मिल रहा है, सो देर इज अ बेनिफिट ऑफ 250 पर शेयर इंटू 800, 2 लाख रुपीज। यूज ऑफ फर्नीचर, सबसे पहले हमें यूज करने के लिए मिल रहा है पूरे 12 मंथ्स के लिए, तो 1,10,000 इंटू 10%, 10% आपको पता है यूज करने के लिए अगर मिलता है अदर असेट्स तो 10% लेते हैं हम लोग, सो 11,000 रुपीज तो यूज करने के लिए परक्यूजेट। सेकेंड परक्यूजेट, अब वो हमें ऑफर भी कर रहे हैं, परमानेंटली हमें वो फर्नीचर प्रोवाइड करा दिया जा रहा है हमेशा के लिए, तो इट्स अ परमानेंट ट्रांसफर। तो हम ये देखते हैं कि उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या है असेट की, जितना भी कंप्लीटेड ईयर्स हुए हैं हमें सिर्फ वही लेना है, पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करना है। तो हमने देखा था कि हमारे 4 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे, तो 1,10,000 इंटू 10%, सॉरी यहाँ पर 1,10,000 इंटू 10% 4 कंप्लीटेड ईयर्स के लिए एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 44,000 आएगा, यानी कि इसकी फर्नीचर की डेप्रिशिएटेड वैल्यू है 1,10,000 माइनस 44,000, 66,000। अब जितना भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर किया जा रहा है उसको माइनस कीजिए, वो परक्यूजेट बन जाएगा। हेयर इट वॉज गिवन एट फ्री, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए हमारी अमाउंट रिकवर्ड निल है, पूरा का पूरा परक्यूजेट हो गया 66,000 रुपीज। क्लियर हो गया है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको पता है फुली टैक्सेबल होता है राइट। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो इनको बाद में डिडक्शन भी मिल जाती है, वो डिपेंड करता है फिर ये कौन से रिजीम फॉलो कर रहे हैं, डिफॉल्ट रिजीम में तो मिलती नहीं है। कंसेशनल लोन फैसिलिटी, ये वाला वर्किंग नोट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एग्जेम्प्ट है, ग्रॉस सैलरी आ गई, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे आप लोग, और 14,72,292 इज योर सैलरी इनकम। वर्किंग नोट आप दिखा देंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था तो नेक्स्ट पेज पर मैंने इसको शो कर दिया है। तो जितना भी एंड ऑफ द मंथ आउटस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर कितना आप इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट सेव्ड इज 8%, एसबीआई का रेट है माइनस 4.5% आपसे रिकवर किया जा रहा है, तो यू आर सेविंग 3.5% इंटरेस्ट राइट। 15 लाख अप्रैल की आउटस्टैंडिंग थी, मई की आउटस्टैंडिंग भी 15 लाख थी, जून में वो चेंज हो गई और हर 3-3 महीने के बाद फिर वो चेंज हो रही है, तो 14.5 अगले 3 महीने तक रहेगा, फिर वो 14 लाख हो जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, 13.5, फिर लास्ट में 13 लाख रुपीज़। और मैंने हर साल का सेविंग 3.5% के हिसाब से निकाल लिया फॉर एवरी मंथ, तो सिर्फ इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था हमारा, तो 49,292 इज द परक्यूजिट वैल्यू राइट। सो दिस इज योर इनकम टैक्स मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1। अब थोड़े ही दिन में सीरीज 2 इंस्टीट्यूट इशू करेगा, तो वो भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार, जैसे ही कि हमने सीरीज 1 किया है आई बिलीव आप सीरीज 2 भी पूरा करेंगे मेरे साथ राइट। ये आपको ना कॉन्फिडेंस बहुत देता है जब आप MCQs करते हैं, RTPs करते हैं, पास्ट ईयर पेपर करते हैं, स्पेसिफिकली जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, रिटन प्रैक्टिस, तो हमारे कंसेप्ट्स तो रिवाइज होते ही होते हैं और हमारी रिटन प्रैक्टिस भी बढ़ती है और हमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और हमारे एग्जाम्स बहुत ईजिली बहुत अच्छे से हम लोग पास होंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में भी डिमांड कर रहे हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं, फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ टोटल इनकम, तो मैं देखता हूं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वो भी कराता हूं, और अदरवाइज हम MTP तो करेंगे ही करेंगे जो सीरीज 2 का आएगा राइट। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।